नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मॉनसून सीजन चल रहा है। मॉनसून सीजन में हर फ्लावरिंग प्लांट जो है अपने खूबसूरत खूबसूरत फूल प्रोड्यूस कर अपनी खूबसूरती जो है वो जाहिर कर रहा है। मॉनसून सीजन में हर फ्लावरिंग प्लांट की जो है खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जो प्लांट है उसके फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। आज ऐसे ही आपसे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट की बारे में आपसे मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत से एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करूंगा, जिसे हम अपराजिता या विष्णु काता भी कहते हैं। हमारे धर्मों में इस प्लांट की जो है बहुत ही ज़्यादा आस्था है। ये प्लांट एक औषधीय पौधा है और हमें कई बीमारियों से पराजित होने से बचाता है, इसीलिए जो है इसका नाम है अपराजिता रखा गया है। ये प्लांट जो है कई कलर्स में आता है। मेरे पास इसके ब्लू और वाइट कलर का जो है प्लांट है। ये प्लांट जो है बहुत ही तेजी से जो है अपनी ग्रोथ करता है और कुछ ही टाइम में ये प्लांट जो है बहुत बड़ा और बुशी प्लांट बन जाता है। ये वैसे तो एक वाइन है और आप इस प्लांट को यदि आप वाइन के रूप में रखना चाहते हैं तो आप इसे उसी हिसाब से ग्रो कीजिए। यदि आप इसे वाइन के रूप में नहीं रखना चाहते, इसे बुशी बनाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉयल मिक्सचर की। सॉयल मिक्सचर की आप जब भी बात करें तो आप इस प्लांट को जब भी लगाएं तो उसमें 40% खाद, 40% मिट्टी और 30% के करीब आप रेत लें, ऐसा आप मिक्सचर बनाएं। क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट है, इसे अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। यदि आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तब इस प्लांट को इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यदि ज़मीन में जैसे हम लगाते हैं तो इसकी जो जड़ें हैं वो दूर दूर जाकर अपनी खाद की जो कमी है उसे पूरा कर लेती हैं। और यदि आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो इसे आपको प्रचुर मात्रा में जो है खाद देनी चाहिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप दोस्तों इसे 15 दिन में एक बार बनाना पील और 15 दिन में एक बार जो है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दें। इन दोनों को कैसे बनाना है इसका वीडियो जो है मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप महीने में एक बार इस प्लांट को जो है दो मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट, जो खाद आपके पास अवेलेबल हो वो आप दें, जिससे प्लांट जो है बहुत ज़्यादा बुशी होगा, बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। सनलाइट की बात करें तो आप इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे सारे दिन की धूप मिले। इस प्लांट को जो है अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए धूप की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा इस प्लांट को जो है धूप मिलेगी उतने ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। ये एक जो है औषधीय पौधा है और हमें कई बीमारियों से भी ये प्लांट जो है बचाता है। इस प्लांट का जो यूज़ है माइग्रेन, पुरानी खांसी, टॉन्सिल्स, पीलिया, कब्ज जैसी दोस्तों कई बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से जो है प्रोपोगेट हो जाता है। आप छोटी से छोटी स्टेम कटिंग भी इस प्लांट की आप लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से दोस्तों वो कटिंग जो है आपकी ग्रो हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस प्लांट में जो है ऐसे फलियाँ सी लगती हैं, इन फलियों को दोस्तों आप रिमूव करके सुखा लीजिए तो उसमें भी दोस्तों आपके जो है सीड्स बन जाते हैं। जैसे ये मेरे पास ये फली है, मैंने इसे सुखा लिया था, इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर सीड्स जो है जर्मिनेट हो चुके हैं। आप इन सीड्स को भी लगाकर अपने प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने इसकी छोटी सी स्टैम्प कटिंग जो है वो लगाई थी, तो चलिए देखते हैं ये इसकी ग्रोथ कैसी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने अपनी जो रूट्स हैं वो डेवलप करनी शुरू कर दी है। ये दोस्तों छोटी सी ही स्टैम्प कटिंग मैंने लगाई थी और छोटी सी स्टैम्प कटिंग ही दोस्तों इसकी चल पड़ी है। तो दोस्तों आप भी इस प्लांट की जो है कोई छोटी से छोटी कटिंग भी कहीं से लाकर लगा सकते हैं, या इसके सीड्स कहीं से आपको मिलते हैं तो वहीं से आप लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैंने दोस्तों जो है इसका वीडियो जो है कल बनाना था, मेरे जो कुछ फ्लावर्स हैं वो स्पेंड हो गए। कल बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग हो रही थी लेकिन बरसात के मॉनसून सीजन के कारण जो है इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंड हो गए।
दोस्तों ये प्लांट जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से घना हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करता है। आप भी दोस्तों इस प्लांट को जरूर लगाएं घर में लगा हुआ। दोस्तों ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों यही थी आज की इन्फॉर्मेशन अपराजिता प्लांट के बारे में। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरा जरा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।